अरे दोस्तों, मानो या ना मानो, पर आप जो हेल्दी फ्रूट जूस पी रहे हो उसमें कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा चीनी हो सकती है। शॉकिंग है ना? जी हाँ, आपने सही सुना। हम अक्सर सोचते हैं कि फ्रूट जूस एक हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। हमें लगता है कि हम हेल्दी चीजें खा रहे हैं, पर कभी कभी जो हेल्दी लगता है वो होता नहीं है। इन फ्रूट जूस की बोतलों पर जो लेबल्स होते हैं वो हमें गुमराह कर सकते हैं। चलो फ्रूट जूस की दुनिया में डुबकी लगाते हैं और इन फैंसी लेबल्स और हेल्थ क्लेम्स के पीछे की सच्चाई जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि कई बार इन जूस में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं? आज अब हम सच और झूठ के बीच का फर्क जानेंगे। तो चलिए इस शुगर रश की सच्चाई को उजागर करते हैं और समझते हैं कि असली हेल्दी ऑप्शन क्या है। फ्रूट जूस कंपनियां मार्केटिंग के उस्ताद हैं। वो अपने पैकेजिंग पर ताजे फलों की तस्वीरें लगाकर हमें यकीन दिलाते हैं कि हम कुदरत का असली स्वाद पी रहे हैं। लेकिन रुकिए, हकीकत क्या है? अक्सर इन जूस में बहुत सारा चीनी, आर्टिफिशियल फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं। ये हेल्दी ड्रिंक्स की तरह दिखने वाले मीठे ड्रिंक्स होते हैं। याद है वो हेल्दी ड्रिंक्स जो हमारी मम्मी पिलाती थी? हाँ, ये वो नहीं है। चलो आज खोलते हैं दोस्त। उन टेट्रा पैक्स और बोतलों में अक्सर हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप होता है, जो एक सस्ता चीनी का विकल्प है और कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा है। और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में तो मुझे शुरू भी मत करो। ये केमिकल शेल्फ लाइफ लंबी करने के लिए डाले जाते हैं, लेकिन ये लंबे समय में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। याद है वो साइंस के लेसन जहां हमने केमिकल के बारे में सीखा था? हाँ, सभी केमिकल हमारे दोस्त नहीं होते। जरा सोचो, जब आप एक गिलास जूस पीते हो तो आप असली फल खाने से कहीं ज्यादा चीनी खा रहे होते हो। एक गिलास जूस में कई चम्मच चीनी हो सकती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये शुगर रश वजन बढ़ा सकता है, डायबिटीज और दिल की बीमारियों का कारण बन सकता है। चीनी का अत्यधिक सेवन आपके शरीर में कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। अब इतना हेल्दी नहीं लग रहा है ना? ये जानकर आप हैरान हो सकते हैं कि आपका पसंदीदा जूस आपके स्वास्थ्य के लिए इतना नुकसानदायक हो सकता है। इसके अलावा जब फलों का रस निकाला जाता है तो उनका फाइबर कंटेंट निकल जाता है, जो पाचन और हमें पेट भरा हुआ महसूस कराने के लिए जरूरी होता है। फाइबर की कमी से आप जल्दी भूख महसूस कर सकते हैं, तो आप ज्यादा पीते हो और ज्यादा कैलोरी खाते हो। बिना फाइबर के जूस पीने से आपको संतुष्टि नहीं मिलती और आप बार बार पीते रहते हैं। ये उस दोस्त की तरह है जो खाता रहता है पर कभी पेट नहीं भरता। इसलिए अगली बार जब आप जूस पीने का सोचें तो इसके प्रभावों पर जरूर विचार करें। क्या आप जानते हैं कि एक गिलास पैक्ड फ्रूट जूस में 8 चम्मच तक चीनी हो सकती है? हाँ, आपने सही सुना, 8 चम्मच। ये चीनी की मात्रा आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये रोजाना के सुझाए गए सेवन से भी ज्यादा है। और सबसे बुरी बात, ये चीनी आपके शरीर में धीरे धीरे जमा होती जाती है, जिससे कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। हमें अक्सर पता ही नहीं चलता कि हम कितनी चीनी खा रहे हैं, क्योंकि ये इन हेल्दी ड्रिंक्स में छिपी होती है। ये छिपी हुई चीनी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। ये उन प्रैंक वीडियोस की तरह है जहां आपको लगता है कि आपको नॉर्मल ड्रिंक मिल रहा है, लेकिन वो बहुत ही तीखा निकलता है। आप सोचते हैं कि आप कुछ हेल्दी पी रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कंपनियां हमारी सेहत के साथ मजाक कर रही हैं, और ये मजाकिया नहीं है दोस्तों। हमें इन तथ्यों को जानना और समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने स्वास्थ्य का सही ख्याल रख सकें। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको फ्रूट जूस पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब समय आ गया है कि हम समझदार ग्राहक बने। जब भी हो सके पैक्ड जूस के बजाय ताजे फल चुनें, और जब आप जूस खरीदें तो लेबल को ध्यान से देखें। याद रखें, आपकी सेहत आपके हाथ में है। भ्रामक मार्केटिंग रणनीतियों के बहकावे में न आए, ताजे फलों का रस चुनें, सेहतमंद रहें और कृत्रिम पेयों से बचें। घर पर ताजे फलों का जूस बनाना एक बेहतरीन विकल्प है। इससे न केवल आप शुद्ध जूस का आनंद ले सकते हैं, बल्कि परिवार के साथ समय भी बिता सकते हैं। ताजे जूस में पोषक तत्व अधिक होते हैं और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होते हैं।
पैक्ड जूस में अक्सर शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप जूस खरीदने जाएं, तो ताजे फलों को प्राथमिकता दें, समझदारी से चुनाव करें, स्वस्थ रहें और उन शुगर ट्रैप से दूर रहें। धन्यवाद।